होगा और नाम आ गया तो एडमिशन भी हो ही गया होगा ड्यू एलएलबी में, और ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को आपने पास करके फाइनली आपने एडमिशन ले लिया है। लेकिन आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका सिलेबस क्या होगा और बुक कौन कौन सी आपको लेनी होगी। बुक लेने के लिए आपको देखना ये होगा कि वो बुक ली जाए, आपके पास टाइम है और इस टाइम में ही आपको कोई सफिशेंट बुक चाहिए जिससे आप जो हैं वो जल्दी से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। आइए आपके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्यू एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आप अगर बुक लेना चाहते हैं तो आईपीसी के लिए जो है एस एन मिश्रा का बुक सही रहेगा। दूसरा भी बुक आप कोई और ले सकते हैं। उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो अवतार सिंह का बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद जो है फैमिली लॉ में अगर आप देखें तो पारस दीवान का बुक क्यों चाहिए। पारस दीवान का बुक इसलिए क्योंकि इसमें वो डिटेल्स में दिए हुए हैं और आपके लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पारस दीवान का बुक ले, मैं कहता हूं कि ये बुक सही रहेगा। वहीं दूसरी अगर आप देखें लॉ ऑफ टोट की, तो आर के बेंगैया का जो बुक है वो भी सही है, बेस्ट बुक। लॉ ऑफ टोट का जो बुक होगा वो रतन लाल का बुक आप ले सकते हैं। वहीं अगर लीगल थ्योरीज की बात करें तो ये बीडी महाजन का बुक जो है वो सही होगा। वहीं पे अगर आप सिलेबस को देख लें, एक बार सिलेबस की तरफ देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। जनरल इंट्रोडक्शंस, इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, टेंडर्स, कंसिडरेशंस, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लिमिटेशंस, रिमेडीज, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने पहले भी पढ़ा है, एंट्रेंस के टाइम भी आपने पढ़ा होगा, बट एंट्रेंस के टाइम जो है आपने वैसे ही पढ़ा है, लेकिन इसमें आप डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये सब के बारे में डिटेल्स विद एग्जांपल के साथ आप पढ़ने वाले हैं। वहीं नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखें तो आप इस वाले में भी देख लें आपके मेजर लीगल सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम, वहीं सोर्स ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ थॉट, जुडिशियल प्रोसेसेस, राइट एंड ड्यूटीज़ के बारे में इसमें आप पढ़ने वाले हैं, तो ये आपके लिए नया हो सकता है। वहीं अगर आप लॉ ऑफ टोट की बात कर लें तो लॉ ऑफ टोट में देखें तो आपने पढ़ा है डिफेंस अगेंस्ट द टॉर्टियस लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस, नर्वस शॉक्स, रिमोटनेस, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, डिफेमेशंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने लगभग जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो आपने कवर किया है। आपको थोड़ा सा डिटेल्स में और पढ़ना है, इनके बारे में आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो कुछ भी आने वाला है वो आप नहीं जानते, नया कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ वही रहने वाला है, बस उसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। यहीं लॉ ऑफ क्राइम में देखें प्रिंसिपल ऑफ द मेंस रिया, कैपेबल होमोसाइट, एक्सेप्शंस ऑफ द सेक्शन 300 होमोसाइट, वहीं जनरल एक्सेप्शंस, सेक्सुअल ऑफेंस, किडनैपिंग ऑफेंस, ज्वाइंट एंड ग्रुप लाइबिलिटी अटेम्प्ट, और ये सब के बारे में डिटेल में वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। हर एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक पे इससे आपका जो सिलेबस है वो और भी समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाओ। जब आप लॉ फैकल्टी में पहुंच जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक दुक्की नाम की भी कोई चीज़ होती है, और दुक्की आपको मिल जाएगा फैकल्टी ऑफ लॉ के गेट पे ही मिल जाएगा, और उसके बाद जो है आप बाहर से भी ले सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट टाइम के लिए जो है आपका सिलेबस जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा दुक्की से, और भी आप कोई और प्रेफरेंस देख सकते हैं, कुछ और भी, कुछ दूसरी बुक भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपके लिए एडवांटेज होगा। आप चैनल को नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथ।